कनक धारा फाउंडेशन के संस्थापक को मिले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड उन्होंने शहीदों की विधवा को समर्पित किए हैं। कनक धारा फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्षा डॉक्टर लक्ष्मी गौतम ने पिछले दिनों समाज सेवा के क्षेत्र में मिले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स को शहीदों की विधवाओं और माताओं को समर्पित कर उदारवादी मातृशक्ति का परिचय दिया है। हम आपको बता दें कि व्रत क्षेत्र में निराश्रित विधवा और वृद्ध महिलाओं की सेवा कार्य के लिए कनक धारा फाउंडेशन की संस्थापिका डॉक्टर लक्ष्मी गौतम को अनेक सम्मानों से नवाजा गया है। उन्हें सम्मानित किए जाने से ब्रजवासियों में हर्ष की लहर है। ये उपलब्धि ब्रज के लिए गौरवान्वित करने वाली है। डॉक्टर गौतम को हाल ही में 6 मार्च को दिल्ली के गुजरात भवन में केंद्रीय बाल और महिला विकास मंत्रालय द्वारा वेब वंडर वुमेन अवार्ड से नवाजा गया। वहीं इंडियन नेशनल बार एसोसिएशन द्वारा द फिलोमिलन सी अवार्ड से अलंकृत किया गया। भारत, मैक्सिको, स्पेन, अमेरिका द्वारा प्रायोजित आई वुमेन ग्लोबल अवार्ड के अंतर्गत महाराष्ट्र में प्रकाश आमटे ने वुमेन आइकॉन अवार्ड से नवाजा। अवार्ड समारोह से रविवार को लौटने पर डॉक्टर लक्ष्मी गौतम ने इन सभी अवार्डों को जम्मू कश्मीर की सरहद पर शहीद हुए जवानों की माताओं और विधवाओं को समर्पित किया है। उनका कहना है ये सभी अवार्ड उन्हें नहीं बल्कि देश की हर एक माँ और पत्नी को मिला है जो राष्ट्र और समाज के लिए सदैव समर्पित रहती हैं। जी भाई, समाज सेवा के क्षेत्र में आपको सम्मानित किया गया है। जो इतने सारे जो आपको जो सम्मान जो ये प्रशस्ति पत्र और जो मिले हैं, ये कहाँ से मिले हैं और किन किन सेवा के क्षेत्र में आपको दिए गए? देखिए, समाज सेवा के क्षेत्र में जो निराश्रित असहाय बुजुर्ग माताओं की सेवा करती हूँ, शोषित पीड़ित बेटियों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ती हूँ, और लावारिस महिला शवों का जो अंतिम संस्कार करने का मेरा संकल्प है उसको पूरा करती हूँ, तो यही एक कारण है कि इस पहचान को पहचान बनाते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पिछली 6 मार्च को दिल्ली आमंत्रित करके गुजरात हाउस में केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी जी ने अपने हाथों से वेब वंडर वुमेन सम्मान दिया है। अगली 7 तारीख को इंडियन नेशनल बार एसोसिएशन ने एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें पूरे देश से 100 महिलाओं को उन्होंने नामित किया और उन 100 महिलाओं के ऊपर एक पुस्तक बनाई है जिसका नाम है द फिनोमेनल शी, यानी देश की सशक्त महिलाएं, और उन 100 महिलाओं को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में सम्मानित भी किया, और उस 100 महिलाओं के ऊपर जो किताब छपी है वो पूरे देश में किताब जो हमारे न्यायविद हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट, सारे न्यायाधीशों को वो किताब दी गई है जिनसे उस महिलाओं जो महिलाएं अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग कार्य कर रही हैं उन महिलाओं को एक पहचान मिले। साथ ही 8 मार्च को पुणे महाराष्ट्र में 4 देशों के समूह ने, जिसमें मेरे भारत के अलावा अमेरिका, मैक्सिको और स्पेन, इन चारों देशों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसको कि भारत में पुणे में आयोजित किया गया, सीवी रमन ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, और पूरे देश से अलग अलग क्षेत्रों में 16 महिलाओं को उन्होंने ये सम्मान दिया जिसमें वुमेन आइकॉन का अवार्ड, वुमेन आइकॉन ऑफ एक तरह से कहिए विश्व हाईलाइट करते हुए उन्होंने इस पुरस्कार को मुझे दिया है और सम्मानित किया है। आगामी 18 मई को ये कार्यक्रम मेक्सिको में आयोजित होने की संभावना है, और ये वुमेन आइकॉन का जो अवार्ड है ये मेरे सेवा कार्यों के लिए जो मैं काम करती हूँ वृंदावन में, इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने मुझे खोजा और मुझे आमंत्रित किया। बस क्योंकि ये सम्मान मिलने से खुशी तो है मुझे, और इस सम्मान से पूरे ब्रज में जो एक संदेश गया है कि मैंने यत किंचित सेवा का काम किया, तो ब्रज को भी समर्पित करती हूँ, अपने बांके बिहारी जी को भी समर्पित करती हूँ, परंतु साथ ही जो सम्मान मुझे मिला है मुझसे ज़्यादा मैं मानती हूँ कि वर्तमान में राष्ट्र की जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, वीरांगनाओं ने अपने पतियों को खोया है देश की सीमा पर, वीर प्रसूता माओं ने अपने बेटों को खोया है, तो शायद ऐसे सम्मानों की हकदार वो ज़्यादा हैं। और मैं भावनात्मक रूप से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि ये जो मुझे सम्मान मिले हैं 3, जिसमें 2 राष्ट्रीय सम्मान है और 1 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है, मैं उन माओं के चरणों में उन बहनों को जिन्होंने अपने पतियों को खोया है उन सबको हृदय से समर्पित करती हूँ।